माता के दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे मंत्र के बारे में जो मंत्र है शिव और पार्वती का, और जिस मंत्र का वो एक मैजिकल मंत्र है, जिसके तो इस मंत्र के चैंटिंग से ये मंत्र आपके जीवन में आपकी वो मनचाही खुशी ला कर देगा जो मनचाही खुशी आप चाहते हैं। आप अगर जिस पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं, जिसके साथ अपनी मन से विवाह संबंध जोड़ना चाहते हैं, यानी लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहद ही पावरफुल मंत्र है ये दोस्तों। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके रिलेशनशिप में कोई समस्या है, तो भी इस मंत्र से उसका समाधान होगा। और अगर आप लव में हैं और अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो सपना आपका साकार नहीं हो पा रहा है, तो ये मंत्र आपका वो सपना साकार करके देगा। वो है ये मंत्र। क्या है मंत्र, कैसे चैंट करना है, कैसे इसके साथ अपने विश को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बात करूंगी। और ये सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों। लेकिन उससे पहले, अगर मेरी वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इस तरह की जानकारी भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है वो मंत्र और वो मंत्र कैसे आप चैंट कर पाएंगे। जिन लोगों ने भी इस मंत्र की चैंटिंग की है, उनको इसका 100% फायदा मिला है। सावन के महीने में अगर आप इस मंत्र को डेली चैंट करते हैं, तो ये विशेष फलदायी हो जाता है। इसे आप सावन के महीने में अगर डेली चैंट करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होनी ही है। जिस पार्टनर से आप शादी करना चाहते हैं, उससे आपकी शादी ज़रूर होगी। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी शादी में, आपके विवाह में, वो ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे। तो अब जानते हैं इसे करना कैसे है और इसे कब करना है। तो दोस्तों, इसे आप सावन के पहले सोमवार से शुरू करेंगे। सावन के पहले सोमवार से इस मंत्र की चैंटिंग शुरू करेंगे। किसी भी सोमवार से इस मंत्र की चैंटिंग आप शुरू कर सकते हैं, और तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी मनचाही इच्छा पूरी ना हो जाए। लेकिन सावन का महीना विशेष फलदायी होता है। सावन के महीने में आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, इसलिए सावन के महीना जो कि शुरू होने वाला है, उसमें आप अगर इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं और वो भी सोमवार से शुरू करते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए इस समय को चूकिए नहीं, और ज़रूर इस समय में इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए। सुबह का समय लीजिए, सुबह के समय में आपको ये करना है। आप पास से किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं और वहाँ पे सुबह के समय में ये पूजा पाठ करें, तो ज़्यादा फलदायी होगा। सुबह के समय में आप शिव जी पर कच्चे दूध से मिला हुआ जल और केसर युक्त जल, उसी में थोड़ा सा केसर डाल दें, और उसके बाद आप शिव जी का जलाभिषेक करें। उसके बाद उसमें जो आपको फल मिलते हैं, फल, मिश्री, ये सारी चीज़ें उन्हें अर्पित करें। अक्षत, चंदन, ये सारी चीज़ें उन्हें अर्पित करें। आप बाद बिलपत्र और पुष्प जरूर अर्पित करें। बिलपत्र आप 11, 21, 51, 108 अर्पित कर सकते हैं, यथाशक्ति आप उसमें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बिलपत्र का बहुत ही महत्व होता है शिव जी की पूजा में। तो बिलपत्र को अर्पित करते समय आप शिव और पार्वती दोनों का ध्यान करेंगे और उन्हें पुष्प और बिलपत्र अर्पित करेंगे एक एक करके। और उसके बाद आप शिव जी का ध्यान करने के बाद आप उन्हें धन्यवाद ज़रूर करें कि उन्होंने आपको ये दिन दिखाया कि आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद अपनी विश मांगे। जिस पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं, उस पार्टनर का नाम लेकर भगवान शिव से ये विश मांगे कि मेरी उसके साथ शादी हो जाए, और ये विशेष कृपा प्रभु मुझे वरदान के रूप में दे। इस तरह से आप उन्हें अपनी मनोकामना सुनाएं और वहीं बैठकर 108 बार 108 टाइम इस मंत्र की चैंटिंग करें। वैसे तो दोस्तों ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो कोई भी चैंट कर सकता है, और उसके फल बहुत ही चमत्कारी होते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप सेहत के लिए करना चाहते हैं, हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, या फिर धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए भी करना चाहते हैं, उसके फायदे तो बेहद ही चमत्कारी हैं। लेकिन आप विवाह के लिए इस मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। ओम पार्वती पते नमः,
ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र की चैंटिंग आपको 108 टाइम करनी है। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत कलह हो रहा है और वो अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को गहरा करना चाहते हैं, समस्याएं बढ़ रही है या फिर समस्याएं नहीं है तो अपने रिलेशनशिप को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मंत्र है ओम पार्वती पतये नमः। दोस्तों इस मंत्र की चैंटिंग करें 108 टाइम, उसके बाद आप अपनी विश उन्हें बोलकर पॉजिटिव वे में हमेशा खुश रहें और इस चीज़ का विश्वास ज़रूर रखें कि भोलेनाथ आपकी इच्छा ज़रूर पूरी कर देंगे, क्योंकि प्रभु उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं जो बिल्कुल साफ दिल से अपनी मनोकामना उनसे मांगते हैं, तो आपकी इच्छा वो ज़रूर पूरी कर देंगे। दोस्तों सावन के महीने में गरीब लोगों का दान धर्म ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके धन धान्य का भंडार भर देगी आपके घर में, इसीलिए गरीबों की सहायता करें और उनके लिए दान दक्षिणा ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस सावन आप ये मंत्र जप करके अपने जीवन में वो खुशियाँ पाएं जो खुशियाँ आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।